अच्छा पैसा नहीं है, बंदूक लेके गोली निकली है। ओ भाई हाथ छोड़ गए, ओ भाई डर लगता है, पकड़ लो इसको। पहाड़ों में आपने खुदाई होगी गड्ढे। वाह, आपका वेरिएंट वाला बुक है वो सुनने में आ रही है। मैंने थोड़ी सी मुझे बना ली है ना डिलीवरी के टाइम पे, जैसे मैं बना लेता हूँ तो देखो ये मुझे नीचे ना गिर जाए। हेलो जी, वेलकम बैक टू चल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और फुल मजे में लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। लुक चेंज होगी भाई मेरी है ना ट्रिप से आने के बाद। विक्रम भाई क्या वाह, दाढ़ी वाड़ी बढ़ा रखी थी एंड यहाँ पे आके भाई ये जो लुक है ना, जब मैं ऐसे मूछे बढ़ाता हूँ तो मोस्टली मैं ऐसे मूछे तब करता हूँ जब मेरे को गाड़ी की डिलीवरी लेनी होती है। और ये ऑलमोस्ट ना मेरे बर्थडे के आसपास ही बढ़ाता हूँ मैं। मतलब सर्दियों में मैं थोड़ी सी लुक चेंज कर लेता हूँ, मूछ ऐसे बड़ी करके अपने ये वाली। मतलब ऐसा नहीं कि मैं फर्स्ट टाइम ऐसे कर रहा हूँ, मैंने बहुत बार ऐसे किया है। ठीक है, फिर यार इनको ना सारा दिन यूं करना पड़ता है, ऐसे मरोड़े हे देने पड़ते हैं ना, तो वो सारा दिन मेहनत बढ़ जाती है, इसलिए थोड़ी सी ना ऐसे कमी करता हूँ मैं। बाकी आप बताना आपको ये लुक कैसी लग रही है, तो भाई ऐसे कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है ना। एंड भाई ट्रिप से हम वापस आ चुके हैं। अगर आपने हमारी कैंपिंग वाली सीरीज नहीं देखी है तो जाके देख लो भाई। आप बताना उसमें क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। बुरा तो खैर ऐसा कुछ था नहीं, पर फिर भी आप बताना भाई कि आपको कैसा कुछ अच्छा लगा और क्या हम बेटर कर सकते थे। एक चीज तो मैंने देखो निभाई है, जो मैंने बोली थी पहले ट्रिप पे कि भाई इस ट्रिप पे मैं बाहर का खाना नहीं खाऊंगा, ठीक है, जब तक हम वहां पे कैंपिंग करेंगे। वापसी में हमने खाया था एंड एक बार शायद जाते टाइम हमने खाया था। उसके अलावा हमने सारा कैंपिंग के टाइम पे खुद कुक किया है, कोई मतलब रेडी टू ईट वाला भी सिस्टम हमने नहीं रखा था। तो भैया एंड भाई ट्रिप से वापसी के बाद भाई आपको पता है कितने सारे काम बढ़ जाते हैं, ऑफिस के बढ़ जाते हैं, घर के बढ़ जाते हैं, सारे काम। इसलिए भाई लास्ट वीडियो मतलब एक दिन वीडियो बीच में नहीं आया था, सारे काम निपटा रहा था यार। और ट्रिप से आने के बाद भाई गाड़ी की भी हालत थोड़ी खस्ता हो जाती है ना, तो भैया भाई इसकी भी पैम्परिंग जरूरी है। तो आज इसके भी भाई तीन चार काम कराने। एक काम ने तो यार बहुत परेशान करता, मतलब वो काम तो ना इतना, मतलब उसकी तो इतनी वो भड़क हो जाती है कि यार ये तो करना ही करना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, BS6 गाड़ियों में तो भाई ये पंगा रहता ही है। बाकी और भी बहुत सारे काम है, विंड स्क्रीन भी हमारे को चेंज करानी है, गाड़ी की अलाइनमेंट भी आउट है। गाड़ी जैसे स्टेयरिंग छोड़ रहा हूँ तो लेफ्ट भाग रही है, तो ये चीज भी अपने को करानी है। फिलहाल तो भाई सबसे पहले चलते हैं DM महिंद्रा कवर भैया के पास चलते हैं, पूछते हैं कि भाई हमारी गाड़ी कहाँ तक पहुंची, कहाँ कितनी फोड़ कर रहे हैं। भाई मारेगा भाई, आज तो कर दिया था भाई फोर्ड वाले ने काम। देखो मैं ब्रेक नहीं लेता तो काम कर दिया था फोर्ड वाले ने आज। पता है कितनी बार मैं बोलता हूँ कि अप्रोच रोड से मेन रोड पे जब कोई भी गाड़ी आती है तो भाई पहली जिम्मेदारी अप्रोच रोड से मेन रोड पे आने वाले की है। मेन रोड वाला तो सीधा चल ही रहा है, आप जब मेन रोड पे आते हो तो आपकी जिम्मेदारी बनती है भाई कि उस देख के आप रोड पे चढ़ो। और कईयों की तो ऐसी आदत होती है सीधा ही मेन रोड पे आएंगे और सीधा एक्सट्रीम राइट वाली लेन में चले जाएंगे। अब देखो ये सेल्टोस वाला है, कितने बड़े तरीके से आया लेफ्ट लेन में, गया चुपचाप धीरे धीरे सेंटर लाइन में एंड देन फिर इस वाली लेन में आ गया। लाइन मतलब बीच वाली लाइन में आया ना पहले, फिर इस वाली लेन में आ जाएगा। खैर आया नहीं, वो अपना सेंटर में चल रहा है, बढ़िया भाई है। तो मैं वही कह रहा था भाई पहले जाएंगे अपन महिंद्रा में, वहां पे जाके कवर भैया से बात करेंगे गाड़ी कहाँ तक पहुंची, भैया कितने दिनों में दे रहे हो गाड़ी, बर्थडे नजदीक आ रहा है गाड़ी दे दो भाई। तो भैया भाई से बातचीत करेंगे क्योंकि भैया ने तो कहा था ना कि महिंद्रा की बात महिंद्रा में करो और हुंडई की बात हुंडई में करो। एंड आपके काफी सवालों के जवाब आते हैं, जवाब आते हैं, जवाब नहीं आते, काफी सवाल आते हैं उनके जवाब मुझे देने हैं। लेकिन आपने कई गाड़ियों का ना मुझसे रिव्यू मांग रखा है, बहुत अच्छा लगता है भाई जब आप ये कहते हो कि विक्रम भाई आप अपने तरीके से उसका रिव्यू दो। तो भाई इन सारी गाड़ियों का मैं रिव्यू करूंगा आपके लिए। जिन जिन गाड़ियों का आपको रिव्यू चाहिए ना आप मुझे बता दे और कमेंट बॉक्स में कि विक्रम भाई इस गाड़ी का रिव्यू चाहिए, इसका चाहिए, इसका चाहिए, इसका चाहिए। देर सवेर होती रहती है क्योंकि भाई देखो बाकी काम भी तो करने ना, फिर फैमिली के साथ ट्रेवल करते हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि यार मैं ट्रेवल आपको साथ साथ दिखा दूं। मेरे को ये होता है कि मैं जो भी पल इंजॉय कर रहा हूँ या जो भी पल अपना चल रहा है वो सब आपको शेयर करता चलूं। अब आप बताना अगर आपको ये लगता है कि विक्रम भाई सिर्फ कार नॉलेज चाहिए बाकी व्लॉग नहीं देखने तो वो भी बता देना भाई। ठीक है, बाकी मैं कोशिश करूंगा। अब मैं इसमें ना एक प्लेलिस्ट बना दूंगा चैनल पे ना कि ये इस चीज की सीरीज है, ये कार रिव्यूज है, ये है, ये है। ये थोड़ी सी सूरज की किरणें आ रही है ना स्क्रीन पे, है ना, इसको ऐसे ढक दूं। देखो फर्क पड़ गया, कितना फर्क पड़ गया देखो, ये देखो। अभी कपड़ा लगाता हूँ इसके ऊपर, हाँ अब मैंने ना कपड़ा लगा दिया इसके ऊपर, ऊपर से धूप आ रही थी ना तो अब ठीक है, अब पिक्चर बिल्कुल क्लियर आ रही है, पिक्चर क्लियर है ना। तो आप फटाफट चलते हैं पहले महिंद्रा में, वहीं पे आज हम रिव्यू करेंगे एक गाड़ी का, शायद दो गाड़ियों का रिव्यू भी कर ले टाइम अगर अपने पास भी रहा। देन उसके बाद हैरियर की पैम्परिंग करेंगे, हैरियर की पैम्परिंग कैसे करनी है, मतलब ट्रिप से आने के बाद क्या क्या चीजें देखनी चाहिए हमारे को, वो सारी चीज बताएंगे। आफ्टरनून भैया कैसे हो? तो भैया अभी बता दो यार, अब तो मैं महिंद्रा में बैठा हूँ, बाकी भैया का ऑफिस यहाँ भी नया हो चुका है। क्या बात है भैया, वैसे बहुत अच्छा, मतलब आपका जो है ना सिलेक्शन है ना भैया, माइका आप सिलेक्ट करते हो और फर्नीचर बहुत बढ़िया। मैंने ऑफिस की बढ़ाई कर दी ना, ठीक है अब गाड़ी दे दो।
गाड़ी कब दोगे? पहले जो आपका वेरिएंट वाला बुक है वो सुनने में आ रही है, वो बिलिंग स्टार्ट हो रही है। मतलब हो रही है? हो रही है। तो आपका नंबर टॉप टॉप में ही है, है? तो उम्मीद है जल्दी आ जाएगी। आ जाएगी, आ जाएगी। तो मतलब भाई जैसे मैंने थोड़ी सी मूंछें बना ली है ना डिलीवरी के टाइम पे, जैसे मैं बना लेता हूँ तो देखो ये मूंछें नीचे ना गिर जाए। है भैया मूंछों ताव बरसात रहेगा ना, और बड़ी हो जाएगी। तो भैया भाई चलो, भैया ने कहा फिलहाल तो आप नारियल पानी पीजिए, ठंडे हो जाइए, ठीक है, और गाड़ी हम कराते हैं अरेंज फटाफट। और जाकड़ वाली गाड़ी तो शायद इस मंथ में उसको मिल जाएगी, है ना? वो तो उम्मीद है, उम्मीद है। चलो भाई जाकड़, अगर तू देख रहा है भाई, मैं तेरे को फोन पे पहले बता दूंगा, ठीक है? बाकी तो वीडियो देख रहा है तो भाई तेरी गाड़ी अरेंज हो गई है, इसलिए आया हूँ। अपनी गाड़ी के लिए नहीं आया हूँ, मैं जाकड़ की गाड़ी के लिए आया हूँ। मतलब महिंद्रा से लेते था, विदर नहीं ले रहा मैं अभी, ठीक है? अभी गाड़ी का रिव्यू करेंगे हम यहाँ पे, मेरे पास चाबी है, बाकी चाबी से आप बता नहीं सकते कि कौन सी गाड़ी, क्योंकि महिंद्रा की सारी गाड़ी में चाबी सेम है। ओके गौर भैया, ओके जी, ठीक है, मिलते हैं आपसे अभी भाई, फटाफट भैया कराएंगे ना हमारी गाड़ी रिव्यू। तो अभी भैया को भी कहीं निकलना है और मैं गाड़ी का रिव्यू कर लेता हूँ आपके लिए, फिर आगे चलेंगे अपनी एरिया काम कराने। तो मैं भैया से मिल लिए एंड भैया ने देखो भरोसा तो पूरा दिया है कि जो आपकी मूंछ आता है उसको डाउन नहीं होने दूंगा मैं। तो भाई बहुत अच्छी बात है, देखो भैया के ऊपर पूरा भरोसा, भैया ने आज तक कभी मेरे को निराश किया नहीं है हालांकि, ठीक है ना? एंड जिस गाड़ी का हमारे को रिव्यू करना था हमने उस गाड़ी का रिव्यू भी कर लिया, वो आपको अलग से देखने को मिलेगा। एंड अब चलेंगे भाई इस गाड़ी की अलाइनमेंट चेक कराने, क्योंकि देखो ट्रिप से होकर ना तो पहाड़ों पे वो जो रास्ता था ना ब्रोड से लेके जो बिलिंग तक का रास्ता था भाई, वो बहुत ही मतलब उबड़ खाबड़ सा था, तो उसपे शायद थोड़ी सी अलाइनमेंट अपनी आउट हो गई है, तो वो अब चेक कराएंगे। तो ट्रिप के बाद भाई गाड़ी की पैम्परिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जाने से पहले अपनी गाड़ी को बढ़िया से क्लीन करा के लेके जाओ एंड आने के बाद भी उसकी अच्छे से पैम्परिंग कर दो, तो आपकी गाड़ी आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। भाई अभी हम पहुंच गए भाई महादेव टायर हाउस पे एंड सतीश भाई अपना चेक करेंगे भाई गाड़ी को, क्यों लेफ्ट हो रही है ये भाई, अभी थोड़ा सा घूम फिर के आइए ना गाड़ी, तो कहेगी मैं दाएं बाएं जा रही हूं, मुझे सतीश भाई के पास जाना है। सतीश भाई चाबी ढूंढ रहे, चाबी पहले वहां रख दी और फिर ढूंढ रहे हो, हां क्या बात है, करो चेक करके आओ आप। तो भाई पहले ऐसे ना धागा लगा के चेक करेंगे, पहले ऐसे स्टैंडिंग में क्या चेक करते हो साहब जी, इधर उधर ना चला गया हो कैम्बर, तो कैम्बर आउट हुआ है नहीं, तो भाई स्टैंडिंग में कैम्बर, तो देखते हैं भाई कैम्बर अपना आउट है नहीं, होना तो नहीं चाहिए, है आउट है, ठीक है कैम्बर, कैम्बर ठीक है यार, मेरी ड्राइविंग में कैम्बर आउट हो सकता है, सवाल ही पैदा नहीं होता। खैर इतना ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, सदा कई बार ऐसी मिल जाती है तो कैम्बर गया, अच्छा वाला आदमी आउट हो जाता है भाई। क्या दिक्कत मिली इसमें फिर? अलाइनमेंट, अलाइनमेंट ठीक है सर, कैम्बर ठीक है, फिर टायर राइट लेफ्ट करेंगे, बस टायर राइट लेफ्ट से बात बन जाएगी पक्का 100%। अच्छा ये क्यों करना पड़ता है ऐसे, ये हमारा एक टायर नया है थोड़ा सा इसलिए, ये जरूरत पड़ने पे करना पड़ता है, जरूरत क्यों पड़ती है ऐसी? पड़ती है क्योंकि हमेशा देखते हो लेफ्ट का टायर पे ही लोड पड़ता है, लेफ्ट का टायर जल्दी खराब होता है। अच्छा ऐसा, हाँ ये गाड़ी लेफ्ट क्यों भागती है? अच्छा पर क्यों भागती है? रोटेशन तो अपन अभी 1500 किलोमीटर पहले तो करी थी ट्रिप पे जाने से पहले। चलो कोई नहीं भाई, ये वाला उधर से वो वाला इधर आ जाएगा, फिर ट्राई कर लेंगे। तो भाई वो वाले टायर को हम खोल के इधर लगा देंगे और ये वाला टायर खोल के उधर से आएगा, वो वाला टायर इधर आ गया है। टायर एक्सचेंज होके गाड़ी टेस्ट ड्राइव होके आ गई है, अब पूछता हूँ सतीश भाई से। हाँ सतीश भाई क्या रहा? परफेक्ट, बस टायर की वो थी। अच्छा तो उस दिन ये मतलब यूं बताओ मेरे को, अब मैं 1500 किलोमीटर चला के आया तभी फर्क क्यों आया, उस दिन क्यों नहीं आया? वाह भाई वाह, अच्छा मेरे ऊपर ही डाल दिया भाई, ठीक है कोई बात नहीं, काम हो गया, देखा फर्क मिला ना, ऐसे नहीं है पकड़े गए, इसलिए मैंने कैमरा बंद नहीं किया था। पोना खोल दे भाई, पोना उधर टाइट कर दे, पोना बोलते हैं भाई 45। मैं सतीश भाई के साथ टेस्ट ड्राइव लेने आया, मस्तीश भाई प्रॉपर दिखाओ कैसे करोगे, कैसे चेक करते हो सतीश भाई आप? लो जी ऐसे। ओ भाई हाथ छोड़ गए, ओ भाई डर लगता है, पकड़ लो इसको। तो भाई यही चेक होता है कि मतलब गाड़ी दाएं बाएं नहीं जा रही, डन हो गया अपना ये काम। तो जब अपनी गाड़ी की अलाइनमेंट तो चेक हो गई एंड अगर अब आपको भी भाई फास्टर रिजोल्यूशन चाहिए अपने टायर्स के लिए या आपको नए टायर्स भी लेने, तो भाई आप एड्रेस नोट कर सकते हैं, महादेव टायर हाउस मतलब सेक्टर 17-18 की जो ये डिवाइडिंग रोड है ना यहाँ पे है। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब जब आपने गाड़ी का अलाइनमेंट बैलेंसिंग कराई तभी आपको प्रायोरिटी दी जाएगी या आपने जब टायर लिया तभी आपको प्रायोरिटी, ऐसा नहीं है भाई। मतलब जब आपको कोई दिक्कत भी आएगी ना तब भी भाई आपको उतनी ही प्रायोरिटी दी जाएगी। मतलब आप गाड़ियों को ऐसे भीड़ देखो, इस टाइम भी बस 7-8-10 गाड़ियां हैं ऑलरेडी खड़ी हैं, लेकिन फिर भी मतलब अगर आपकी कंप्लेंट आती है और आपका कम टाइम में रिजोल्यूशन हो सकता है
तो भाई आपको पहले प्रायोरिटी देकर आपको फ्री कर दिया जाएगा। एंड भाई इस चीज के कोई चार्ज नहीं लिए, क्योंकि भाई मेरे ख्याल से एक या दो महीने का टाइम होता है या फिर 2000 किलोमीटर, मतलब इसके अंदर अगर आपकी गाड़ी में कोई दिक्कत आ जाती है अलाइनमेंट से रिलेटेड, तो वो आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाती है। और ये बात भाई मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको अपनी गाड़ी के टायर्स का भी उतना ही ध्यान रखना पड़ता है जितना आपको अपनी गाड़ी के इंजन का ध्यान रखना है। तो ये भाई अलाइनमेंट बैलेंसिंग आप अपने टाइमली करवाते रहा करो। अगर अब मैं ये नहीं कराता तो जो टायर था वो एक साइड से कन्नी खत्म हो जाती, मतलब जो कोना था ना टायर का वो ट्रेड वहां से खत्म हो जाता, फिर मेरे को फिर वही सिंगल टायर चेंज कराना पड़ता। तो ऐसी बेवकूफी नहीं करनी चाहिए। जैसे ही गाड़ी में कोई भी दिक्कत है भाई, ऐसी तो देखो गाड़ी होती नहीं है कि जिसमें कभी कोई दिक्कत आएगी नहीं, जो भी दिक्कत आती है बस आप उसको रेक्टिफाई करवा लो टाइमली। अब अगला नंबर है गाड़ी की भाई क्लीनिंग का, ठीक है, क्योंकि ट्रिप से आने के बाद गाड़ी की डीप क्लीनिंग होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले भाई चलेंगे घर, क्योंकि भाई ऑलमोस्ट 4 बजने वाले हैं एंड भाई मैंने लंच नहीं किया है, ठीक है, तो बस फटाफट घर चलते हैं एंड लंच करते हैं। सूर्य देवता भी अभी ढलने की पोजीशन में आ गए हैं, है? आजकल मतलब सर्दियां हो गई ना भाई, तो 5:30 तो अंधेरा ही हो जाता है। भाई अभी घर पहुंचा था, बस इतना ही समय मिला है मेरे को कि मैं खाना खा लूं, है, बोला अपनी गाड़ी थोड़ी देर में संभालना, पहले हमारे काम करवा के लाओ, है, चलो भाई। अरे कहीं जाने का तो फिर तैयारी। और एक शर्त और आ गई भाई, खुद तो कैंपिंग में घुमाए, हमारे को भी घुमा के लाओ भाई वीकेंड पे। वाह, तो ऐसे कैसे हो जाएगा, आप अकेले घूमते रहो है? यार घूम के आया, मेरा शरीर में फटीग है थोड़ी सी अभी, ठीक है, रेस्ट नहीं भाई, चलो लेके चलो भाई, क्या कर रहे हैं, रोटी खानी भाई, जाना पड़ेगा कितने की जगह। हाँ और के रोटी नहीं मिलेंगी भाई, नहीं तो देख लो आज, देख लो किस टाइम रोटी मिली है, देख लो तुम। आप आए घर पे इस टाइम वो, ठीक है, काफी कर रहा था, देखो यार मेहनती आदमी यार की को कदर ही नहीं है। तो हमारी रोटी रेडी होने में कोई कमी नहीं थी, हमारी मॉर्निंग से रेडी है, अब आओ देख लो भाई, बासी रोटी मॉर्निंग से रेडी है, बासी रोटी खिलाई मेरे को मॉर्निंग से, मतलब कि सब्जी रेडी है, रोटी तो अभी बनाई है गर्मा गर्म। या खुद कंफ्यूज है, मैं इसका पोपट कर दूं, इससे पहले से पोपट हो जाएगा, पोपट नहीं है तो खाना तो सुबह ही तैयार हो जाता है सब्जी तो। चलो जी सीट बेल्ट लगाते हैं एंड चलते हैं, जाएंगे मार्केट में लेके जाएंगे, मेरे को खर्चे घर है और क्या है, खर्चे का घर है। और अब भाई शॉपिंग के साथ साथ भाई गाड़ी की मेंटेनेंस भी साथ साथ ही करता रहूं ना, तो एक बार यहां पंप पे पूछता हूं एड ब्लू मिल जाए तो अपने को, क्योंकि भाई टाटा की शोरूम तो हो गया है बंद। अरे भाई मेरे को तेल नहीं डलवाना, मेरे को कुछ पूछना है, ये भाई कह रहे हैं तेल डलवाने आया है। भाई देखो मैं HP के पंप से ही अपना डीजल डलवाता हूँ गाड़ी में, तो अपना इन्हीं से मैं अपना एड ब्लू लेता हूँ। और अब आप ये सवाल पूछोगे मुझसे कि विक्रम भाई क्या यहाँ से लेने के बाद गाड़ी की वारंटी वारंटी, ये बातें पहले एड ब्लू ले आता हूँ फिर आपको बताता हूँ। तो भाई ये अपना 645 का 5 लीटर एड ब्लू मैंने यहाँ से DF ले लिया और इसका बिल भी बनवा लिया। अगर आपके पास बिल रहेगा ना तो फिर आपकी गाड़ी का जो होता है ना ये वारंटी वर्ड वाला सिस्टम नहीं हुआ। क्योंकि मेरे पास ना बहुत सारे सवाल आते हैं कि विक्रम भाई क्या हम अगर अपनी गाड़ी में बाहर से DF या एड ब्लू जो डलवाते हैं तो हमारी गाड़ी की वारंटी वर्ड हो जाएगी? नहीं भाई ऐसा नहीं होता। अगर इमरजेंसी में मान लो कहीं ऐसे आपकी कंपनी का शोरूम नहीं है और आपको लेना पड़ जाता है एड ब्लू, तो क्या करोगे, मजबूरी में लेना पड़ेगा ना आपको। तो वही बात है भाई, ऐसे ही मैंने लिया भी इमरजेंसी में, क्योंकि भाई शोरूम खुला नहीं था, मैं फिर वेट करना ही चाहता था क्योंकि जाकड़ी गाड़ी में ना बिल्कुल डाउन हो गया था और वो इतना जबरदस्ती बीप 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 इतना जोर से बीप करता है, वो ना इरिटेट कर देता बहुत ज्यादा। तो मेरी तो आदत है भाई एक दो डंडे रह जाए ना तो अपना एड ब्लू डाल दो भाई, आज भी डालना कल भी डालना, तो मतलब आप डाल सकते हो, पर हाँ आप अपना बिल जरूर ले लो उनसे, ठीक है, बिल लेके फोटो खींच के अपने फोन में रख लो कभी जरूरत पड़े तो, या उस बिल को संभाल के कहीं पे रख दो, दैट्स इट। कभी ऐसा आए कि हाँ जी आपकी गाड़ी इतनी चल गई है और आपने भाई एड ब्लू हमसे नहीं डलवाया, उस सिचुएशन में आप दिखा सकते हो कि देखो जी मैंने बिल ले रखा है, ऑथराइज्ड, ऐसी बात नहीं है कि मैंने इसमें एड ब्लू कहीं से भी कोई भी डाल दिया, तो आप बता सकते हो। तो अगर ऐसा होता तो ये पेट्रोलियम कंपनीज हैं ये बनाना बंद कर देती या बेचती ही नहीं एडब्लू अपना, तो ये चीज है, इस सिचुएशन में आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है ना, ज्ञान की बात मिल ली ना। अब इनके शॉपिंग कंटिन्यू करते हैं भाई, एक लव अभी भाई अपनी ट्यूशन से आ चुका है बीच में पार्टिसिपेट करने के लिए, और वो अपने पता नहीं कौन से गीतकार है। हाँ भाई कौन से गीतकार है, सीट बेल्ट हटा के बैठा है अभी, गाड़ी रुकी थी ना, गाड़ी रुकते ही सीट बेल्ट हटा देता भाई, गाड़ी रुकते ही ऐसे फेंकता, मतलब बस पूछो मत, लगाओ भाई सीट बेल्ट लगाओ, हाँ बांध दो इसको भाई। पूजा अपना मार्केट में काम कर रही है और ये जो देखो ये रेगुलेटर होते हैं ना पंखे के, ये इस जमूरे ने और इसने दोनों तोड़ते रहते खराब हुए, तो मैंने एक्स्ट्रा ले लिए, तो अभी तेरी दुकान मिल गई थी मुझे इलेक्ट्रिकल्स की तो मैंने यहाँ से ले लिए थे भाई, चलो यार एक्स्ट्रा ले लिए। अब विराज अब तोड़ोगे आप इसको है, हाँ पिटी होगी, तोड़ो इसको, दिख गया दूर से मैकडी का साइन है, वो कहता है क्या दिखा विराज आपको, फाफा बोलता है,
नहीं विराज, चलो कोई बात नहीं, अब तो बहुत दिन हो गए, हफ्ते से ज्यादा हो गया, चल खिला देता हूँ आज तो। ना फास्ट ड्राइव थ्रू मैकडी का है ना, शायद ही मैंने किसी का देखा होगा ड्राइव थ्रू फास्ट, हो भी सकता है किसी किसी का, पर भाई इसका ड्राइव थ्रू सबसे फास्ट है। सबसे पहले ही भाई चेंज स्टार्ट हुई थी इनकी मैकडी की, एंड अब तो ड्राइव थ्रू केएफसी का बहुत कम मिलता है, बर्गर किंग का ड्राइव थ्रू मिल जाता है, बर्गर किंग के ऊपर टाइम बहुत लगाते हैं वो तो सबसे है ना, और जो मुरथल में है ना उसमें वो तो बर्स्ट वाला है, उसका तो मेरा तगड़ा एक्सपीरियंस है। एंड भाई मैं चलता हूँ एक बार इसी यहीं पे, इस स्केचर्स भी है ना, तो भाई एक बार सोना रोड में स्केचर्स पे चलता हूँ। मेरे को शूज लेने हैं, एक मेरे को व्हाइट शूज की एक रिक्वायरमेंट थी यार, मेरे पे व्हाइट शूज खराब हो गए मेरे एक वाले, तो एक व्हाइट शूज लेता हूँ, एक मेरे क्लॉक्स लेने हैं, क्लॉक्स क्रॉक्स यार मतलब क्रॉक्स के तो क्रॉक्स है, स्केचर्स के लेता हूँ, मेरे को सॉफ्ट से लगे भाई, मैंने रिसेंटली जो स्लीपर लिया ना तो मजा सा आ गया, तो वो लेता हूँ। कहते तो है इसको गुड़गांव का सबसे बड़ा स्केचर्स का स्टोर है, देखते हैं। हाँ दो फ्लोर पे है, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर, चलो देखता हूँ मेरी पसंद के शूज और क्रॉक्स मिलते हैं क्या नहीं मिलते। जी मैं ले आया हूँ अपना स्केचर्स में, अब देख एक पीछे रखा है मेरा, तो घर चल के दिखाऊंगा आपको, दो आर्टिकल लेके आया हूँ मैं, फटाफट लिया मैंने अंदर रिकॉर्डिंग नहीं की, मैं चलो तुम फटाफट चलो अंदर, फटाफट चूज कराओ और चलते हैं हम फटाफट लेके घर। तो भाई बच्चों को छोड़ दिया अब घर, अब एक बार चलते हैं अपने अड्डे पे, फिर नए अड्डे पे देखते हैं कौन से पे बैठेंगे, दो जगह है ना भाई अपनी, या तो क्वालिटी पे या ब्लूटूथ का ही पे। बड़े बड़े लोग भी आए हैं भाई साहब, आपसे तो छोटे ही हैं। अरे वाह गुरु। अरे जाखड़ तू मेरे साथ ही चल रहा था, दिखाई नहीं यार, वजन बहुत घना तोड़ दिया छोरे ने यार, दबा दब के जिम देखिए खेच रहा है पूरी जिम ने। तभी चार दिन से भाई की डाइट चल रही थी, आज भाई ने बोल दिया कि वो खानी है क्या गार्लिक ब्रेड, ना गार्लिक ब्रेड नहीं गार्लिक नान खाना है भाई, कम से कम भी नहीं तो लास्ट गार्लिक नान कब खाया हो, याद है एक बार मैं और विकास भाई रोहतक गए थे, जब भी हमने सोचा था खाएंगे खाएंगे, उस दिन तो मैं था नहीं ना तुम्हारे साथ, फायदा क्या हुआ मेरे बिना गए थे ना तुम रोहतक, मैं होता तो सब क्यों खुआ के लाता इनने, ठीक है मेरे को भूख के मार के लाते ठीक है। मैं उस टाइम ना फ्री नहीं था यार, उस दिन ना तो मैंने अर्जुन भाई को बोल दिया था, मैं टायर बढ़िया चढ़ा दिया भाई के, टायर तो बढ़िया चढ़ा रखे, ताव भी बढ़िया चढ़ा रखे बच्चों में, इसका भी रीजन है, आज का व्लॉग देखोगे तो पता लगेगा, जब ये व्लॉग लाइव आएगा तो भाई को वीडियो पता, ये मेरे साथ पॉडकास्ट नहीं करना चाह रहे, कहते मैं नहीं करूंगा और ये वाला ये कट करना चाहेंगे बिल्कुल भी नहीं काटूंगा भाई, भाई पता क्या है हम ऑफलाइन इतना पॉडकास्ट कर लेते हैं, ऑनलाइन की जरूरत ही नहीं पड़ती। अरे नहीं नहीं पॉडकास्ट तो ऑनलाइन ही चलाएंगे ना, नहीं हमारा ऑफलाइन चलेगा भाई, अभी हम कर लेते थोड़ी बातचीत, जकड़ घर जा रहे यार, मारूंगा तू खींच के हैं, कह रहा 10:15 हो गया यार, नींद आ रही है घर जाना है, देखो टाइम की नहीं, टाइम आदमी का, ए बैठ गाड़ी बैठ पागल, अच्छा फिर आगे कौन पड़ा भाई, सही ठीक आगे कौन पड़ा, तू लड़ाई हो गई हमारी, भाईचारे में जाना पड़ेगा भाई, अब तो भाईचारा निभाना पड़ेगा है ना, कोई बात नहीं मम्मी को बोल दे मम्मी आ जा 10 मिनट चल बस ठीक है, चला मेरे साथ चल, गाड़ी यहीं खड़ी रहने दे, वापसी में छोड़ दूंगा आ जा। भाई अभी बातचीत हो रही है दोनों गाड़ियों की माइलेज की, यार तुम माइलेज की बात क्यों करते हो, डिफेंडर लेके भाई पेट्रोल माइलेज की बात नहीं की जाती भाई, अच्छा अच्छा पैसा नहीं है ये वाली ठीक है, बंदूक लेके गोली नहीं गिनी जाती बंदूक ले रखे गोली क्यों गिनती हो, ये वाली भाई देखो पेट्रोल ये तो एक बार फूक दिया पैसा, शेषा मेरे साथ बताओ निवेश भाई आप बताओगे भाई, देखो रेस में खर्चा कर दग दुखता है ना जो डेली करते हैं भाई, आज पेट्रोल फिर डल रहा और पेट्रोल हो रखा 100 से ऊपर, और वो मेरे तो क्या वो डाल दे 103 वाला डलवा हुआ है, पहले डीजल पहले 170 वाला डाल दू एवरेज अच्छी देगा रहा मगर भाई 70 भी आता है क्या, अरे वो 100 ऑक्टेन वाला आता है, 100 ऑक्टेन कह रहा है आप डलवाओ ना अपनी, आप अपनी ऑडी में डलवाओ ना, मेरी भी है वैसे ही, फिर तो भाई जान बन जाएगी, कहते वैसे माइलेज बहुत देती है, मेरी वैसे बहुत देती है, भाई अपनी माइलेज से बहुत खुश है भाई, भाई को चाबी दिखा भाई आपकी, मतलब ओवरऑल एवरेज 15-16 आ जाती है ना, हाँ मतलब बहुत है यार, ओवरऑल ही 15-16 आती है प्यार से चलाओ तो 15-16 वरना 9-10-11 सिटी में 10-11 आराम से देती है, देती है भाई देती है, इतना 2 लीटर है ना है, ये भी 2 लीटर होगा, हाँ 2 लीटर 45 FSI है क्या, हाँ 45 TFSI है। दिवेश भाई जो इसका 3 लीटर डीजल आता था ना इंजन, वो बड़ा गजब था, डिमांड भी ज्यादा है आज भी है, जाकर तू कॉफी नहीं पी रहा, जाकर कॉफी नहीं पी रहा, फुल टाइट हो रहा है तू है तो भाई ठंड का टाइम आ रहा है धीरे धीरे, एंड अब हमने सबने हॉट कॉफी लिया, कोल्ड कॉफी लिया किसी ने अभी, हाँ हाँ अज्जू तो कोल्ड कॉफी ही पिएगा, माइनस देगा कोल्ड कॉफी का मजा आता है। दिवेश भाई आपने मीठा डाला इसमें थोड़ा सा, वह विकास भाई का हमें याद आ रही है भाई, विकास भाई यहाँ नहीं है वो होते तो किसी को याद नहीं कर रहे वो हमें क्यों याद करेगा, वो तो बुर्ज खलीफा पे चढ़े भाई, तो भाई तो खलीफा पे चढ़ा हुआ है ना, बुर्ज खलीफा पे
पीछे से आंख मारी, कह रहा तू ये बोल मियां खलीफा, कह रहा देखा मैंने करण अर्जुन घोड़े पे थे भाई, करण अर्जुन घोड़े पे थे ना, आपने देखा था करण अर्जुन घोड़े पे थे, आपने देखा था दिवेश भाई को, दिवेश भाई को पता नहीं पहली बार आया ना जाकर, तुम देखा था करण अर्जुन घोड़े पे थे हैं, थे करण का तो होता नहीं था, अर्जुन आज बड़ा भाई हमारी अलग बात होगी। अभी हम अपनी ना हंसी मजाक कंटिन्यू कर लेते हैं और अपनी कॉफी फिनिश करते हैं, आपसे बाद में मिलते हैं। ओके जू चले भाई, अरे यार यार चल यार, टाइम देख यार 12 बजने वाले हैं, झाकड़ कह रहा देश निकाला, घर निकाला देश निकाला हो जाएगा, हो ही जाएगा भाई। ओके मिस्टर जाखड़, गुड नाइट, बाय राहुल, गुड नाइट, शब्बा खैर, यहाँ तक छोड़ने के लिए, अरे नहीं यार गाड़ी तो घर तक छोड़ के आऊँ, चल ठीक है कल मिलते हैं आराम से, ठीक है। तो भाई पहुंच गए घर, एंड भाई गाड़ी देख लो कितनी गंदी हो रही है, सारा काम हो गया आज गाड़ी का, सिर्फ वॉशिंग रहेगी, लेकिन थंबनेल में और अगले वीडियो में भाई आपको गाड़ी चमकती मिलेगी। सुबह 4 बजे उठूंगा भाई इसको धोने के लिए, क्योंकि कल मेरे को निकलना है, एक बार कहीं बाहर जा रहा हूँ मैं, एंड रास्ते में आपको ज्ञान तो देता चलूंगा, एंड आपके जो क्वेश्चंस हो तो आप इस वीडियो में पूछ सकते हैं, अगले आने वाले वीडियो में मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा, ज्ञान ही दे दूंगा यार, आपका ज्ञान ही तो देता हूँ ना मैं, ठीक है। एंड मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एंड जैसे मैंने ध्यान रखा ट्रिप से आने के बाद, अगर आप भी अपनी गाड़ी का ध्यान रखेंगे रेगुलर, चाहे आप ट्रिप पे जा रहे नहीं है, रेगुलर आप अपनी गाड़ी का ध्यान ऐसे ही रखेंगे ना, तो आपकी गाड़ी आपका मस्त साथ देगी। वॉशिंग तो बहुत जरूरी है, महीने में कम से कम ना प्रेशर वॉश 2 बार कराया करो नीचे से, गाड़ी के नीचे से, तो भाई आपकी गाड़ी के जो मिट्टी विट्टी जो भी कचरा कहीं भी जमता है, बुश में, रबड़ में, जहाँ भी शोकर वोकर में, वो सब साफ रहेगा, चूचू चूचू, मतलब जो भी वेयर एंड टियर है वो मतलब थोड़ा सा कम हो जाएगा, फर्क पड़ता है देखो, थोड़ी थोड़ी चीजों से ही फर्क पड़ता है, ठीक है ना, बूंद बूंद से सागर बनता है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट, गुड नाइट। अरे एक चीज तो भूल गया, लाइक सब्सक्राइब शेयर भाई कर देना पक्का, ठीक है। और भाई मैं ये शूज तो दिखाने भूल ही गया था, तो एक तो ये शूज लिए हैं मैंने व्हाइट कलर के, अच्छे है ना, बताना भाई कमेंट बॉक्स में कि शूज आपको कैसे लगे। एंड क्रॉक्स के तो क्लॉक्स हैं मेरे पास, तो मैं स्केचेस के आजकल मेरे पास चलते हैं, तो देखिए मैंने एक क्लॉक्स ले लिया है, विंटर्स आ रही है ना, तो अपना सॉक्स के साथ ही अपना सीधा पहन लो, लाइट वेट एकदम से भागना हो कहीं, तो ये 2 आइटम मैंने लिए, ये मैं आपको बताना भूल गया था, एक्स्ट्रा शॉर्ट्स में मैंने डाल दिए। तो ये थी मेरी फटाफट शॉपिंग, अच्छी थी ना, कमेंट बॉक्स में बताना कैसे लगे दोनों चीज़ें। ओके गुड नाइट, बाय बाय।